लॉजिकल वेज यूट्यूब चैनल पर तुहाडा सारिआं दा स्वागत। साढ़े नाल शामिल ने वीर प्रकाश वकील साहब जो कि सुनाम ते संगरूर दीआं जुडिशल कोर्टां दे विच वकालत दे तौर दे उत्ते विचरदे ने, लोकां नूं कानून दी सेवा दिंदे ने। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू लाली जी, तुहाडा बहुत बहुत मैनूं चैनल ते ज्वाइन कराया जी। दोस्तों, पिछली बारी आपां पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दी इक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बारे गल कीती सी कि 21-1-2022 दे हाई कोर्ट दे सिंगल बेंच दे जज श्री सुधीर मित्तल वल्लों कीते गए कंट्रैक्चुअल एम्पलाई यानी ठेका प्रणाली तहत पक्के कीते गए जां भविख विच पक्के यानी रैगुलर करन नूं बिल्कुल गैर कानूनी ते गैर संविधानिक करार दित्ता सीगा उस जजमेंट ने। उस फैसले दे नाल साडी पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी दा भविख बहुत ही गहराई तक प्रभावित होए बिना नहीं रह सकता। जिवें कि अपनी पिछली वीडियो विच तुहानूं दस्सिया सी कि साल 2010 विच पंजाब सरकार वल्लों ठेके ते रखे गए 98 सरकारी वकीलों नूं इस जजमेंट दे कारण नौकरियों तों हथ धोने पै गए सी, क्योंकि साल 2013 विच सीधे यानी मैरिट ते भर्ती होए कुछ सरकारी वकीलों वल्लों प्रमोशन दिते जाण दे ढंग तरीकियां नूं इस सिविल रिट पटीशन दे तहत चैलेंज किया गया सी ते उहदी सुनवाई दे सिट्टे वजों इह जजमेंट साढ़े सामने आई है। परंतु ज्यों ही 21-1-2022 वाला फैसला होया तां उस फैसले नूं रद्द करवाउण वास्ते साल 2010 विच भर्ती होए यानी रखे गए सरकारी वकीलों वल्लों कई सारियां LPAs मतलब लैटर पेटेंट अपील्स दायर कर दित्तियां गईआं। दोस्तों, तुहानूं इत्थे दसणा उचित होगा कि LPA हुंदी की है। LPA लैटर पेटेंट अपील हुंदी है जिहड़ी कि हाई कोर्ट जां सुप्रीम कोर्ट दे एक जज वल्लों यानी कि सिंगल जज वल्लों सिंगल बेंच वल्लों किते हुए किसी फैसले नूं उस ही अदालत दे विच डबल बेंच दे सामने चैलेंज किया जाता है ते डबल बेंच नूं पूरा अधिकार हुंदा है कि सिंगल बेंच दी जजमेंट नूं रद्द भी कर सकदा है, उहनूं उस तरह ही रख भी सकदा है, उहदे विच कुछ तब्दीलियां मोडिफिकेशन भी कर सकदा है। सो LPAs काफ़ी सारियां दायर हुईआं। इन्हां LPAs दी सुनवाई दे विच पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट वल्लों अगले फैसले तक यानी कि जदों तक LPAs दा फाइनल फैसला नहीं हुंदा सुधीर मित्तल जी वल्लों पास की हुई जजमेंट मिति 21-1-2022 के बारे स्टेट्स को कर दिता गया। स्टेट्स को का मतलब होंगे कि जो स्थिति जो पोजिशन वो फैसला होने तो पहला सी ओहो ही हुण अगे नूं रहूगी। सो इहदे नाल एक बारी तो ठेकाधारत जो मुलाजम सी चाहे 98 सरकारी वकील सन जां होर वक्र वक्र महकमें विच सी जिन्हां नूं कढ़न दा रस्ता साफ हो गया सीगा उन्हां नूं राहत मिल गई है। तो हाई कोर्ट ने 25-5-2022 वास्ते नोट्स ऑफ मोशन जारी करता है। नोट्स ऑफ मोशन का मतलब यह होंदा है कि हाई कोर्ट के विच जदों कोई मुकदमा सुनवाई वास्ते पेश होंदा है जां तां हाई कोर्ट उन्हूं पहले दिन ही खत्म कर दिंदी है रद्द कर दिंदी है जां फिर उन्हूं मन लैंदी है सुनवाई वास्ते एडमिट कर लैंदी है। एडमिट करके दूसरी धिर नूं अपना पक्ष पेश करन वास्ते एक समन जारी करदी है जिहनूं सारी कार्रवाई नूं नोट्स ऑफ मोशन कहा जाता है। दोस्तों, जो पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टेट्स को दा हुक्म कीता है उहदी कापी हुण स्क्रीन दे उत्ते तुहाडे सामने विखाई जा रही है। इहदे विच सब तों उपर अदालत दा नाम है, फिर जिहड़े जिहड़े धिरां दे विच केस चलदा है उहनां दा केस दा अनुमान है, जिहड़े जिहड़े वकील साहिबान ने जिहड़ी जिहड़ी धिर वल्लों पैरवी कीती आ उहनां दे हाज़री इलाके दा नाम लिखिआ होइआ है ते उस तों हेठां दो तिन लाइनां दे विच अदालत ने हुक्म पास कीता है कि स्टेट्स को किया जाता है अगले हुक्मों के तक। तुसीं इस जजमेंट नूं जे चंगी तरह देखना इहदा स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो, वीडियो नूं पाज़ करके भी इहनूं चंगी तरह पढ़ सकते हो ते इस दा जिहड़ा जजमेंट जिहड़े जिहड़े केस दे नंबर ने नंबर तरीक उहनां दा वेरवा भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पा दिंदा। तुसीं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट की जो वैबसाइट है ई कोर्ट सर्विस जां मोबाइल ऐप है ई कोर्ट सर्विस उन्होंने अपने फोन के इंस्टॉल करके ये केसा के नंबर भर के होर डिटेल में जानकारी ले सकते हो। हुण इस स्टेट्स को हुक्म के जरिए सुधीर मित्तल जी वाले जो जजमेंट से
उन्हों लागू होने के जो मामले में ठंडे वास्ते एक बार का पा दिता गया है। जिवें कि तुहाडे वर्गे नौजवान वकीलों ने वकालत के नाल नाल यह भी कोशिश करनी होंगी है कि भविख तुहाडा काफ़ी स्थिर हो जाए, कोई घट्टो घट्ट उपजीविका वालों जां कमींदर दे खर्चों वालों तुहानू कोई चिंता ना रहे, तुसीं वधिया तरीके नाल लोगों नूं कानून दे खेत्र विच सेवा दे सको। समय समय से अदालतों के विच सरकार वालों मददीधर का पक्ष पेश करन वास्ते सरकारी वकीलों नूं रखा जाता है। पंजाब सरकार ने एक नीति बनाई सी 18/3/2011 नूं, उस दे बारे विस्तार दे विच आपां पिछली वीडियो दे विच गल कर चुके हाँ। इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मैं उहदा लिंक पा दिता है, तो जिन्हां ने वह वीडियो नहीं देखी वह जरूर देख लियो, तो उस वीडियो तो बाद जो तुसीं अज वाली वीडियो देखोगे तो जानकारी विच वधेरे वाधा होगा। सर तुसीं दसो कि जिहड़ी इह 98 नियुक्तियां होईयां सी उहनां नूं हाई कोर्ट ने रद्द कर दिता है, चलो ठीक है, हाई कोर्ट के डबल बेंच वालों उस जजमेंट के उत्ते स्टे दी गई है, स्टेट्स को किया गया, पर जिहड़ी जजमेंट आई है सिंगल बेंच की वह मानयोग सुप्रीम कोर्ट के 5 जजां के बड़े बेंच के फैसले जो कि उमा देवी केस के नाल नाम नाल काफ़ी मशहूर होया सी उहदे रोशनी दे विचों जजमेंट आई है जो कानून पक्ष तो कोई ऊनी नहीं जापती, चलो फिर भी दूजी धिर नूं सुनवाई वास्ते जो LPS दायर की गई हाई कोर्ट च मानयोग हरियाणा हाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डबल बेंच ने स्टेट्स को हुक्म किया, उन्होंने पक्ष पेश करने का मौका दिता है। तुसीं की समझते हो जिहड़े पंजाब सरकार की पॉलिसी बनाई सी उस पॉलिसी के नाल कुछ मुलाजमान नूं तां ठेके ते रख लिया गया, बाद च पक्के करता गया, पर सारे ही योग उम्मीदवारां नूं सरकार की नीति तहत पूरा मौका नहीं दिता गया। उहदे नाल होर उम्मीदवार जिहड़े कि उदों नियुक्त हो सकते सी उन्हां नूं नियुक्ति वास्ते मौका मिलना चाहिए सीगा, उन्हां नूं किन्ना नुकसान होया तुसीं बारे की सोचते हो? देखो सर, जो जजमेंट पास हुई है मैं उहदे नाल बिल्कुल सहमत हाँ, जजमेंट सही पास की है श्री मानयोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट श्री सुधीर मित्तल जी वालों, पर जित तक गल है कि बाकी बच्चों नाल भी समानता का अधिकार सारे बराबर का मिलना चाहिए है। जो कि उस जजमेंट के राही यही चीज़ में एक्सप्लेन किया गया कि उन्होंने जो मतलब कि जो वधिया बच्चे होंगे ने उन्होंने मतलब कि पिछे छड़ दिया जाता, जिमें कि इस पॉलिसी के आधार पर नियुक्त हो गए बट जो तो कैंसल हो सारे ही कैंसल कर दिए गए। और इस जजमेंट के जेड़े वो 98 सरकारी अपील रखे हुए थे उन्होंने एक मौका यह भी दिता गया कि पंजाब सरकार हुण जो दोबारे नवी एडवरटाइजमेंट कढ़ेगी ऑन मैरिट रखने वास्ते वह भी अपलाई कर सकते हैं, जेकर किसी की उम्र की उपरली सीमा लंघ गई हो उन्हें छोड़ दी जाएगी। ये 98 व्यक्तियों को उम्मीदवार के तौर के उत्ते पेश होने का मौका दिता गया, लेकिन उस वेले 2010 के जो तो होर बहुत सारे सैकड़े हज़ारा साढ़े नौजवान वकील मुंडे कुड़ियाँ इन्हों नियुक्तियों वास्ते योग सन उन्होंने तो कोई इस जजमेंट के कोई रिलीफ नहीं दिता गया, उन्होंने सवाल के बारे सूबा सरकार को कोई हदायत नहीं जारी की गई, यदि जिम्मेवारी किमें तय होनी चाहिए है कि यह जिम्मेवारी तय होनी रह नहीं गई इस जजमेंट के। हाँ जी सर, मैं बिल्कुल थोड़ी गल में सहमत हूँ इस चीज़ में, क्योंकि जो उ गल पहला वाली जो मैं कह चुका जो कि योग विद्यार्थी से उस समय दौरान उन्होंने भी दायरे चो बाहर कढ़ दिता गया, सिर्फ कुछ क बंद इस चीज इस जजमेंट का बेनीफिट दिता गया भी तुम अपना जोड़ा है थोड़ू इस चीज़ का क्राइटेरिया एग्जिबिशन देती एज लिमिट की एग्जिबिशन देती भी तुम दोबारे रीअपीयर हो सकते हो, बट उस टाइम जो बच्चे से वैलिड से जो योग से उन्होंने इस जजमेंट का कोई फायदा नहीं हो रहा। आओ आप उम्मीद करिए कि ये केस दुबारे LPS के आधार के उत्ते रीओपन हो गया, साड़ी सत्कारयोग पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट के डबल बेंच नू एक होर मौका मिल गया कि इहदी सुनवाई करते हुए जिहड़े जिहड़ियां कमियां पेशियां पहलां रह गईयां जां सरकारां दे नीतियां ने जो साढ़े नौजवान तबके नू काफ़ी सारा नुकसान पहुँचाया उहदी भरपूर्ति की जाऊगी, जिम्मेवारी तय की जाऊगी कि कोई भी सरकार कोई भी सूबा सरकार जां कोई भी केंद्र सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 की उलंघना ना करे, सबनों बराबरता के अधिकार दे ता जो भारत के हर एक नागरिक को अपनी योग्यता मुताबिक बनती ड्यूटी बनती नौकरी लैन का पूरा पूरा मौका मिल सके, ज़्यादा योग उम्मीदवार सरकारी नियुक्तियों के आने तो वह बहुत वधिया सेवा समाज में दे सकेंगे। तुसीं साडे चैनल ते आए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਲੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।